नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। लर्न एस्ट्रोलॉजी इन 5 मिनट्स की ये अगली वीडियो है। आज मैं आपको दशाओं के फल के बारे में बताऊंगा, कौन कौन सी दशाएं शुभ फल देती हैं और कौन कौन सी अशुभ फल देती हैं। शुभ दशाएं, लग्नेश सदा पवित्र है। त्रिकोण यानी ट्रायंगल के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। लग्नेश लगन लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड की दशाएं सदा शुभ फल देती हैं। इसके अतिरिक्त उच्च ग्रह एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स, शुभ राशि के ग्रह, योग कारक ग्रह, मित्र राशि में स्थित ग्रह, केंद्र त्रिकोण में बैठे ग्रहों की दशाएं शुभ फल देती हैं। अशुभ दशाएं, त्रिक भावों के स्वामी यानी कि छठे भाव, आठवें भाव, बारहवें भाव के स्वामियों की दशाएं सदा अशुभ फल देती हैं। इसके अलावा नीच ग्रह, अस्त ग्रह, शत्रु राशि में स्थित ग्रह, राहु केतु की दशाएं अशुभ फल देती हैं। महादशा जीवन का रुझान फ्लो बताती है। अंतरदशा घटना का आभास दिलाती है कि अब जीवन में कौन सी घटना घटने वाली है। प्रत्यंतर दशा घटना का समय बताती है कि घटना कब घटेगी। दशाओं का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है, आइए ये जानते हैं। महादशा स्वामी जिस राशि में स्थित हो उसे लगन मानकर अंतरदशा स्वामी किस भाव में स्थित है दोनों की दूरी देखें। यदि महादशा स्वामी से अंतरदशा स्वामी एक दूसरे से तीसरे भाव या ग्यारहवें भाव में स्थित हैं तो इसे तृतीय एकादश कहते हैं। तृतीय एकादश दशा में सदा शुभ फल मिलता है तथा लाभ होता है। यदि महादशा स्वामी से अंतरदशा स्वामी एक दूसरे से चौथे भाव या दशम भाव, टेंथ हाउस में बैठे हों तो यह दशा भी शुभ फल देती है तथा व्यक्ति के कर्म यानी कि नौकरी या व्यवसाय में वृद्धि करती है। यदि महादशा स्वामी से अंतरदशा स्वामी पांचवें भाव या नवम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है तथा जीवन में उन्नति होती है। यदि महादशा स्वामी अंतरदशा स्वामी से युति कर रहा हो, एक साथ बैठे हो या सातवें घर में स्थित हो तो यह दशा सम सप्तक कहलाती है तथा सम सप्तक दशा शुभ फल देती है। यदि महादशा स्वामी से अंतरदशा स्वामी दूसरे भाव या बारहवें भाव में स्थित हो तो यह दशा द्विद्वादश दशा कहलाती है। द्विद्वादश दशा सदा अशुभ फल देती है क्योंकि इससे व्यक्ति के खर्चे अधिक बढ़ जाते हैं तथा रोग व बीमारी पर खर्चा होना होता है। यदि महादशा स्वामी अंतरदशा स्वामी से छठे भाव या आठवें भाव में स्थित हो तो इसे षडाष्टक दशा कहते हैं। व्यक्ति के ऋण, रोग, शत्रुओं में वृद्धि हो जाती है क्योंकि छठा भाव ऋण, रोग व शत्रु का होता है। आठवां भाव मृत्यु का होता है, दुर्घटना का होता है। षडाष्टक दशा सदा अशुभ फल देती है, व्यक्ति को सदा ही नुकसान, कष्ट, बाधाएं, रुकावटें आती रहती हैं।